हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम चंद्रभूषण और आप देख रहे हैं जनता चैनल 5 स्टार। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं जितना भी आप लोग कमेंट्स में सवाल किए थे, आज हम उसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ढांसू होने वाला है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखिए गाइस, जैसे कहां हो, आज हम बताएंगे इनफॉर्मल फॉर्मल, यानी कि रिस्पेक्ट से कैसे बोले और बिना रिस्पेक्ट का कैसे बोले, तो आज हम सभी तरह से बताएंगे। जैसे देखिए, कहां हो, जैसे मान लीजिए किसी को हम फोन किए और क्या बोलते हैं कि कहां हो, तो क्या बोलेंगे, एंगे इरिकिराए, एंगे इरिकिराए, यानी कहां हो। किसी से भी अगर बोलेंगे कहां हो, तो क्या बोलेंगे, एंगे इरिकिराए, यानी कहां हो। अगर बोलेंगे कहां है, ये तो हो गया आपको इनफॉर्मल वर्ड, ठीक है। अभी फॉर्मल में यानी कि रिस्पेक्ट से अगर किसी को बोलेंगे कि कहां है, कहां है, कॉल पे बोलते हैं ना कहां है, तो क्या बोलेंगे, एंगे इरिकिरिंगे, एंगे इरिकिरिंगे, यानी कहां है। तो किसी को अगर बोलेंगे कहां है, तो क्या बोलेंगे, एंगे इरिकिरिंगे, यानी कहां है। ये अगर बोलेंगे यहां हूं, यहां हूं, फोन में बोलेंगे यहां हूं, तो क्या बोलेंगे, इंगे इरिके, इंगे इरिके, यानी यहां हूं। अगर बोलेंगे वहां हूं, वहां हूं, तो क्या बोलेंगे, अंगे इरिके, अंगे इरिके, यानी वहां हूं। यही अगर बोलेंगे कंपनी में हूं, कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई हम कंपनी में काम करे, तो क्या बोलते हैं, कंपनी में हूं, तो क्या बोलेंगे, कंपनी ले इरके, कंपनी ले इरके, यानी कंपनी में हूं, कंपनी के अंदर है ना, तो वहां पे ले लग जाएगा, ले, कंपनी ले इरके, यानी कंपनी में हूं, कंपनी ले इरके, यानी कंपनी में हूं। यही इसी तरह से मान लीजिए पार्क में है, तो क्या बोलेंगे, पार्क ले इरके। अगर मान लीजिए ऑफिस में, तो क्या बोलेंगे, ऑफिस ले इरके। या अगर हम इसी को रिस्पेक्ट से बोले, जैसे मान लीजिए कंपनी में हूं, तो बस वर्ड तो वही है, हिंदी में वर्ड वही है, कंपनी में हूं। अगर हम इसी को फॉर्मल में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, कंपनी ले इरकिंगे, यानी कंपनी में हूं, कंपनी ले इरकिंगे, यानी कंपनी में हूं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कौन सा वर्ड हो गया आपको, ये फॉर्मल वर्ड नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी रिस्पेक्ट से हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, किसी सवाल कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, एन्ना पन रहे, यानी क्या कर रहे हो। ये अगर रिस्पेक्ट से बोलेंगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से, तो क्या बोलेंगे, एन्ना पन रिंगे, यानी क्या कर रहे हैं, एन्ना पन रिंगे, यानी क्या कर रहे हैं। या अगर बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, निंगे एन्ना पन रिंगे, निंगे एन्ना पन रिंगे, यानी आप क्या कर रहे हैं। अगर बोलेंगे काम कर रहे हैं, अगर हम किसी जो हमसे बोलेंगे क्या कर रहे थे, हम क्या बोलेंगे, मान लिया हम काम कर रहे थे, क्या बोलेंगे कि काम कर रहे हैं। जब भी बोलेंगे काम कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वेले पन रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो जब काम का मीनिंग क्या होता है, वेलई करना, यानी पनीरेन, यानी वेलय पनीरेन, यानी काम कर रहे हैं। अगर बोलेंगे मैं टीवी देख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, नान टीवी पाकिरेन, यानी मैं टीवी देख रहा हूं। तो मैं का मीनिंग क्या हो जाता है, नान टीवी, यानी टीवी। देखना का मीनिंग क्या होता है, देखना यानी पार, यानी देखना। अगर बोलेंगे मैं टीवी देख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, पाकिरेन, यानी मैं टीवी देख रहा हूं, नान टीवी पाकिरेन, यानी मैं टीवी देख रहा हूं। अगर बोलेंगे कब आए, कितना भी क्वेश्चन होता है ना, मान लीजिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं
और मेरे मैनेजर साहब आए और हम उसको देख नहीं पाए, या हम मैनेजर हैं जो मेरे वर्कर हैं वो आए और हम देख नहीं पाए, तो हमसे पूछते हैं ना कि कब आए, तो जब भी बोलेंगे कब आए तो क्या बोलेंगे, यप्पो वंद यानी कब आए। अगर बोलेंगे अभी आए, जैसे मान लीजिए वर्कर बोलेंगे अभी आएंगे, आए हैं अभी आए, तो क्या बोलेंगे, इप्पो वंदेन यानी अभी आए। कब आए कि क्या बोलेंगे, यप्पो वंद यानी कब आए। अगर बोलेंगे अभी आए तो क्या बोलेंगे, इप्पो वंदेन यानी अभी आए। अभी देखिए गाइस, कल आए तो क्या बोलेंगे, नेते वंदेन यानी कल आए। मान ली कोई बोलते हैं ना कि कब आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कल आए। तो जब भी बोलेंगे कल आए तो क्या बोलेंगे, नेते वंदेन यानी कल आए। अगर बोलेंगे खाना खा लिए तो क्या बोलेंगे, साप्पेचा यानी खाना खा लिए। गाइज ये वर्ड आप किसी से आप यूज कर सकते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हैं खाना खा लिए, चाहे आप छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे आपके साइज का हो, तो किसी को भी हम बोलेंगे तो ये आप बोल सकते हैं साप्पेचा यानी खाना खा लिए। अगर बोलेंगे खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे, साप्पिया यानी खाना खा लिया। तो ये कब बोलते हैं, ये मान लीजिए जैसे हमसे जब कोई छोटे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, खाना खा लिया यानी साप्पिया। और हम मान लीजिए अगर किसी को अगर बोलना है, जो मान लीजिए रिस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, आप इस साप्पेचा जो है आप किसी को भी बोल सकते हैं, इतना दिमाग में रख लीजिए, साप्पेचा आप किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बोलेंगे छोटा आदमी है तो क्या बोलेंगे, खाना खा ले तो क्या बोलेंगे, साप्पिया। अगर बोलेंगे खाना खाए तो क्या बोलेंगे, साप्टिंगला यानी खाना खाए। किसी से हम पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हम कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में खाना खा के हम चल गए अपना जगह, जहां पर हम काम कर रहे हैं अपना पोजीशन ले लिए, और वहां पे कोई आदमी आए तो हम लोग क्या बोलते हैं, खाना खा लिए, तो क्या बोलेंगे, साप्टिंगला यानी खाना खा लिए। अगर बोलेंगे नहीं खाया हूं यानी नहीं खाया हूं, तो क्या बोलेंगे, सापड़ इल्लई यानी नहीं खाया हूं, सापड़ इल्लई यानी नहीं खाया हूं। अगर बोलेंगे अभी खाया यानी जस्ट नाउ, जब भी बोलेंगे अभी खाया तो क्या बोलेंगे, इप्पो साप्पिटेन अभी खाया, तो क्या बोलेंगे, इप्पो साप्पिटेन यानी अभी खाया। गाइस एक भाई का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे कि क्यों गए थे, अगर हम किसी को बोलेंगे क्यों गए थे तो उसको क्या बोलेंगे, एन पोनिंग यानी क्यों गए थे। अगर बोलेंगे एक जरूरी काम था किसी को बोलेंगे हम एक जरूरी काम था तो क्या बोलेंगे, औरू अवसर वेलई यानी एक जरूरी काम था। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो गाइस तब तक के लिए बाय गाइस।